दोस्तों किसी ने बड़ी ही खूबसूरत बात कही कि खुद को कमजोर समझ के यूं नाकाम ना कर, खुद को कमजोर समझ के यूं नाकाम ना कर, जिल्लत भरी जिंदगी जीते जीते उम्र तमाम ना कर। अरे अपनी ताकत से हवा का रुख बदलना है तुझे, अपनी ताकत से हवा का रुख बदलना है तुझे, अरे आदमी होकर आदमियत को बदनाम ना कर। गुड मॉर्निंग हिंदुस्तान, नमस्कार, प्रणाम, आदाब, जय हिंद हिंदुस्तान। मैं अतुल महिंद्रा स्वागत करता हूं आप सभी का आज के इस मोटिवेशनल सेशन में, जहां दोस्तों घड़ी ने 6:15 दिखा दिया है और रोज की तरह आपके अपने अतुल सर आपसे मुखातिब होने के लिए तैयार हो गए हैं। तो दोस्तों आइए आज कुछ ऐसी बातों पर चर्चा करते हैं जो सच में हमारी जिंदगी में एक नया मोड़ लेके आ जाए और हो सकता है हमें एक ऐसा रास्ता दिखा दे जिससे हम सदैव प्रगति की ओर अग्रसित हो जाएं। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की कहानी। दोस्तों एक समय की बात है कि एक बार एक लड़का जीवन की परेशानियों से घबरा गया। उसे पैसा कमाने के लिए कोई भी काम नहीं मिल रहा था। लगातार मिल रही असफलताओं की वजह से वह निराश हो गया। एक दिन वह हताश होकर एक संत के पास गया। संत उस क्षेत्र में काफी प्रसिद्ध थे। उनके पास आने वाले सभी लोगों को परेशानियों का हल मिल जाता था। वह दुखी व्यक्ति भी उनके पास पहुंचा। निराश लड़के ने संत को सभी परेशानियां बता दी। तब संत ने कहा कि तुम्हें कोई काम जरूर मिल जाएगा, इस तरह निराश नहीं होना चाहिए। व्यक्ति ने कहा कि मैं हिम्मत हार चुका हूँ, मुझसे अब कुछ नहीं होगा। संत ने कहा कि मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ, इस कहानी से तुम्हारी निराशा दूर हो जाएगी। संत ने कहानी सुनाना शुरू किया। संत ने बताया कि किसी गांव में एक छोटे बच्चे ने बांस का और कैक्टस का एक एक पौधा लगाया। बच्चा रोज दोनों पौधों को बराबर देखभाल करता था। इसी तरह एक साल बीतता चला गया और वो पौधों की देखभाल करता रहा। कैक्टस का पौधा तो पनप गया, लेकिन बांस का पौधा वैसे का वैसा ही था। बच्चे ने हिम्मत नहीं हारी और उसने दोनों की देखभाल करना जारी रखा। कुछ महीने और बीतते गए, लेकिन बांस का पौधा नहीं पनपा था। बच्चा निराश नहीं हुआ और वह देखभाल करता रहा। कुछ महीनों के बाद बांस का भी पौधा पनप गया और कुछ ही दिनों में कैक्टस के पौधे से भी ज्यादा बड़ा और लंबा हो गया। संत ने समझाया कि दरअसल बांस का पौधा पहले अपनी जड़ें मजबूत कर रहा था, इसलिए उसे पनपने में थोड़ा ज्यादा समय लगा। हमारे जीवन में भी जब संघर्ष आए तो हमारी जड़ें मजबूत होनी चाहिए, निराश कतई नहीं होना चाहिए। जैसे ही हमारी जड़ें मजबूत होंगी, हम तेजी से हमारे लक्ष्य की ओर बढ़ने लगेंगे। जीवन में कभी कभी थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी होती है और परिणाम भी देर से मिलता है, तब तक धैर्य रखना चाहिए। और वह युवक संत की बात समझ गया और उसने नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ने का संकल्प कर लिया। दोस्तों इस कहानी से हमको यही पता चलता है कि कुछ लोगों को जीवन में कभी कभी बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन उसका फल नहीं मिलता है। ऐसी परिस्थितियों में निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी मेहनत का फल थोड़ी देर से मिलता है। तब तक बिना रुके आगे बढ़ते रहना चाहिए और अपना काम ईमानदारी से करना चाहिए। दोस्तों हमारे ग्रंथ रामायण में भी ये बात लिखी गई है कि सकल पदार्थ एहि जग माही, कर्महीन नर पावत नाही। यानी जितना हमें सक्सेसफुल लोगों को पहचानने में समय लगता है, उतने समय में हम खुद भी सक्सेसफुल हो सकते हैं। क्योंकि दोस्तों सक्सेसफुल आदमी को भी वही 24 घंटे मिलते हैं जो 24 घंटे हमें मिलते हैं। तो आशा करता हूं कि आज के बाद आप भी अपने 24 घंटे को ऐसा इस्तेमाल करेंगे कि हर दिन कुछ नया सीखेंगे और ईमानदारी से सीखेंगे। क्योंकि रामचरितमानस में भी ये बात कही गई है कि जो इच्छा करिहो मन माही, राम कृपा कछु दुर्लभ नाही। यानी अगर आपने अपनी स्थिति सुधारने का प्रयास किया तो ईश्वर का भी आशीर्वाद जरूर मिलेगा, लेकिन बात बस इतनी है कि आप अपने आप को सुधारने के लिए कितना प्रयत्न करते हैं। हर व्यक्ति को अवसर मिलता है कि जिंदगी में वो अच्छा कर सके, लेकिन अवसर को भुनाना ये सबके बस की बात नहीं होती है। तो सबसे पहले मैं यही कहना चाहूंगा कि आपको अपने आप को पहचानना पड़ेगा, आपको अपनी शक्ति पहचानना पड़ेगा। क्योंकि जिस प्रकार भगवान हनुमान भी अपनी शक्ति को भूल गए थे, कई लोगों ने याद दिलाई कि नहीं कुछ याद करो, अपना पवन सुत वो बालपन, तुम शक्ति पुंज हो, किसी से डर नहीं सकते, ऐसा न कोई
काम जो तुम कर नहीं सकते। यही हाल आपके साथ भी है, आपके अंदर भी एक छुपी हुई ऊर्जा है, लेकिन उस ऊर्जा को दोस्तों आपको समझना पड़ेगा, उस ऊर्जा को पहचानना पड़ेगा। और जिस दिन आपने उस ऊर्जा को पहचान लिया, ये देश काल समय साम्राज्य विश्व आपके सामने नतमस्तक हो जाएगा। तो आशा करता हूं कि आज के बाद आप अपनी शक्ति को पहचानेंगे, कभी हताश नहीं होंगे, कभी डिप्रेशन में नहीं जाएंगे, और अपने आप से ये प्रण करेंगे कि किसी न किसी क्षेत्र में मैं हूं जहां मुझसे अच्छा और कोई नहीं कर सकता। उस क्षेत्र को पहचानें, उस क्षेत्र में मेहनत करें, और जो क्षेत्र आपको पसंद है उसमें इतिहास रच दें। यही आज का समय, यही आज का सिद्धांत और यही आज का मोटिवेशन आपसे कहना चाहता है। तो थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। आशा करता हूं कि आज की इस कहानी से आपको बहुत अच्छी सीख मिली होगी। तो आपके पास भी अगर ऐसी कोई कहानी है, आपके पास भी ऐसा कोई प्रसंग है जिससे देश काल समय साम्राज्य प्रगति की ओर अग्रसित हो सकता है, तो मेरा टेलीग्राम चैनल है मोटिवेशनल गुरु अतुल सर, उस पर आप अपने सारे थॉट्स भेज सकते हैं। मैं उसे लेके आऊंगा हिंदुस्तान तक, उसमें टीम सेलेक्ट करेगी, जिसका भी कहानी सेलेक्ट होगा उसकी फोटो के साथ पूरा हिंदुस्तान मोटिवेट होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। मस्त रहें, खुश रहें, सलामत रहें, स्वस्थ रहें। ऑलवेज बी हैप्पी एंड एंजॉय एवरी मोमेंट ऑफ योर लाइफ। खुश रहिए, सलामत।